जय हिंद दोस्तों, ये मनप्रीत डेयरी है चुन्नी के निकट लांड्रा में। बड़ी बढ़िया गाय दिखाते हैं और ज्ञान की बातें भी करते हैं भाई। हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, किसी के लिए अच्छे हों किसी के लिए ना हों, लेकिन हमारे लिए सारे हीरे हैं, क्योंकि इनके माध्यम से हम इनके अनुभव जान के दूसरे लोगों तक पहुँचाते हैं और इससे एक नई जागृति आई है। और बाकी कोई चोर कहता है, कोई ठग कहता है, वो हमको भी गलत कहते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ के लिए हैं? जी सर, महाराष्ट्र को जाएंगी, सिंदर नासिक के पास। कितने लोग आए हैं? जी सर, मेरे पास चार लोग आए हैं जी। चार लोग जी। चलो, बाद में चारों का इंट्रोडक्शन करेंगे जी। पहले ये जो गाय तुम दिखा रहे हो जी सर, तो रिवाइंडिंग सही नहीं हुई है सिंगों की जी। जी, ब्रीड में? फुल ब्रीड में सर। ये क्रॉस है? नहीं नहीं, फुल ब्रीड है 101% जी, जिसको कहते हैं नगीना सर। ये इनकी चॉइस की बछड़ी लेकर दी है इनको जी। पांच इनको मैंने जानवर अपनी चॉइस से दिए, तीन जानवर इनकी चॉइस से दिए हैं सर। ये उनकी चॉइस से, ये कह रहे थे थोड़ा हैवी मिलकर हमें चाहिए, तीन चार गए। देखो, चाहे इनकी चॉइस हो जाए तुम्हारी चॉइस जी। अगर तो वहाँ जा करके ये लोग संभाल गए जी, तब तो तुम अच्छे हो जी। अगर नहीं संभाल पाए जी, किसी की चॉइस से गए हो फिर जी। सर बात ऐसी है, अनुभव की कमी है लोगों जी, में जी, और वो देख करके खरीद लेते हैं जी, लेकिन इनको संभालने के लिए ये लोग टाइम मांगते हैं जी और साथ चाहते हैं जी। जी सही बात। कितना दूध देगी ये? सर देखो, ज़्यादा अगर बोलूँ मैं, ज़्यादा फार्मर ने 45 लीटर की गारंटी दी है, मैंने इसको 35 लीटर की दूध आपके घर निकालेगी, अगर आपने सही डाइट प्लान अच्छा किया, अगर सफ़र में अच्छी रही, अच्छा जहाँ वहाँ जाए वहाँ पर जाकर सेटल होगी, तो 35 लीटर दूध की मैं गारंटी दे रहा हूँ। ऊपर देगी तो सर इनकी इच्छा है जी। कौन सी ब्यांत की है? ये सेकंड लैक्टन 6 दांत है सर जी, प्योर। तुम कैसे कहते हो कि प्योर है ये? सर दांतों में 6 है जी, इसका ढांचा बताता है जी पूरा। तुम क्या खासियत है, जो क्या बात है जो इसको प्योर बता रही है? ये बात सर देखो, प्योर की जो बात करें, छोटे इसके कान है जी, अडर की क्वालिटी जो कहते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी, अडर की फिटनेस वाली क्वालिटी है, बैठवी गोटी की कह देते हैं, ज़्यादा बड़ी होती है गए वो लैक्टेशन ज़्यादा नहीं देती जी। ये तो छोटी भी नहीं है, बड़ी भी नहीं जी। जी ये मीडियम है, बीच में जी। मीडियम से भी ऊपर ही है? अब मीडियम से ऊपर है सर जी, कुछ ज़्यादा बड़ी में नहीं आती। ज़्यादा क्या दाम की है ये? जी सर, जी जो इन्होंने अपनी चॉइस से लेकर अपनी ली है जी, वो तो थोड़ी महंगी ली है जी, जो मैंने अपने हिसाब से लेकर दी है कि उनके पास जाके सेटल हो, कि इनको कोई घाटा ना लॉस ना पड़े। जे इनको लेकर दिए 1,30,000 की जी। 35 किलो दूध? 35 किलो दूध ना आराम से निकालेगी जी। 1.35 की? नहीं नहीं, 1.30 की सर। 1.30? 1.30 की जी। महंगी नहीं? नहीं महंगी तो नहीं है सर, देखो क्वालिटी इसकी अच्छी है, पर मैं ना देखो इन्होंने इनको कितना ज्ञान है? ज्ञान सर इनको पूरा है जी, पर थोड़ी सी कमी है जी इनमें। थोड़ी सी कमी क्या है जी, जो मैंने अपनी सिलेक्शन से गाय लेकर दिए जी, इनको गारंटी नहीं दी जी, इनको अपने घर पर दूध जितना कहा जी उतना निकाल कर दिखाया, 32-32 लीटर दूध दोनों टाइम। ब्याने वाली है सर? अच्छा, ब्याने वाली है सर। तो फिर कैसे दूध निकाल के दिखाया? सर दूध मेरे पास जो गए थे ना पांच जी, इन्हें मेरी मर्जी से लिए हैं जो, उनका जो जो इन्होंने कहा, चार टाइम मेरे पास 4 दिन हो गए इनको, इन्होंने चारों दिन मेरे अपने सामने सभी को लोगों इकट्ठे करके ना, चारों बंदे जी इन्होंने मिल्किंग कर देखिए, 32 लीटर किसी के नीचे, 30 लीटर किसी के नीचे, 28 लीटर दूध निकाला जी। ये आगे दूसरे नंबर जी सर, तो ये भी प्योर में? फुल बटा फुल प्योर, 40-120 की है सर, डेनमार्क की। हाँ। आगे लेब्रोन का CRAI का सीमन लगा था, लेब्रोन का इसको जी। हाँ। मेल काप दिया इसने जी सर। अच्छा। जी तो ये कितने दूध वाली जय सर? इसके नीचे प्रेजेंट दूध 32 लीटर निकाल कर दे रहे हैं जी इनको। ये ब्याई हुई है? ब्याई हुई सर। तो ऑर्डर बहुत टाइट है? ऑर्डर सर जिस दिन मेरे पास आए थे, सूजन गई नहीं अभी? नहीं सूजन नहीं है, इसका अपना ऑर्डर को जी सारा जी, जब दूध निकाल लेते हैं। बहुत तना हुआ है? बहुत, जिसको बढ़िया कहते हैं ना ऑर्डर, फिक्स अडर कहते हैं, बिल्कुल प्योर अडर, फिक्स अडर कहते हैं। ये मेरे पास जब आए थे, ये कह रहे तुमने दूध रोका हुआ इसका। मैंने इनको कहा कि अगर मैंने दूध रोका ना, आप 4 टाइम मिल्किंग करना, जब एक भी वक्त ऐसा अडर ना बनाया तो मुझसे ये गाय फ्री ले जाना। चारों टाइम जब भी चोते ना इसको, जब चो लेते हैं तो बिल्कुल बंद हो जाती है, जब निकालना शाम को दूध तो पूरा टाइट रख दिया अडर जी। 32 किलो? 32 किलो निकाल कर दिया जी। फर्स्ट में सर? पहले में जी। कितने दांत है? ये 4 दांत सर बछड़ी पहले में। 4 दांत तो दूसरे में भी आ जाती? नहीं, 4 दांत आधा दूसरे में भी जाती है चार जी। हाँ। पर ये ऐसे है ना, जो अच्छे फार्मर है जी, ब्रीडिंग वाले हैं जी, वो फर्स्ट में 4 दांत या 6 दांत में ब्याएंगे गाय को जी, कोई भी है फार्म वाला जी। तो ये कितनी देर होगी ब्याई हुए? ब्याई को आज 16 दिन हो गए हैं जी इसको, और मेल काफे इसके साथ 95 की इनको लेकर दिए जी सर। 95,000? 95,000 की सर।
कितना 32 किलो दूध 32 किलो उसका 35 था उसका 35 तो रेट 35,000 कैसे सर देखो मैं देखो ये मैंने अपनी चॉइस से लेकर दिया जी जितना दूध कहा निकाल कर दिया जी उनका ठीक है ना वो तीन गाय उन्होंने अपनी चॉइस से लिया उसमें मैंने उनकी चॉइस से ली वहां तुमने साठ घाट कर ली नहीं उसमें जाट घाट नहीं सर गाय भी थोड़ी सी बड़ी है ना जी इतनी महंगी क्यों नहीं महंगी सर देखो क्वालिटी उसकी हैवी है वो फार्म की है ये भी फार्म की है जो बारीक चमड़ी की है वो मोटेपन में थोड़ा सा ज्यादा अगली बार तो ये दूध अधिक देगी सर जी तो ये फायदे में नहीं रहे ये फायदे में रहे सर जी मैंने अपने घर से दिए जी गाय चार गाय को एक गाय बाहर से दरवाई है बाकी तीन गाय की चॉइस से लेकर दी है बाद में जी जी अच्छा हम लोग ट्राई करते हैं जी ब्याने से जी जी तो कितने दिन पहले ट्राई करनी चाहिए कम से कम अगर गाय है सर कम से कम उसको डेढ़ से दो महीना ड्राई चाहिए चाहिए अच्छा होने के लिए हेल्दी होने के लिए आगे भी कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी अगर दो महीने उसको ड्राई करेंगे तो बढ़िया 60 दिन की लगभग क्या नुकसान होता है सर देखो अगर गाय तो देखो ये गाय ना एचएफ गाय एक ऐसी चीज़ है ये दूध वाली मशीन है जितना इसको डालेंगे हम जो उतना ही दूध देगी जे अपना जब इसका बच्चा नज़दीक आ जाता है एक महीना भी रह जाता है ब्याने को ये तब भी दूध देती है ड्राई करने का हमारा हक होता है अगली बार अगर उसे अच्छा दूध लेना है अच्छी अपना कि अच्छा दूध दे तभी इसीलिए ड्राई करते हैं अभी 30 लीटर दिया अगली बार 40 लीटर देगी ये दूध दे रही है जी 20-25 लीटर पे कई लोग तो 20 पे ड्राई करते हैं कोई 15 पे करता है जी तो हम लोग थानों पे वो चढ़ाते हैं ट्यूब चढ़ाते दूध बंद कर देते जी जी तो उसमें उसको परेशानी नहीं होती नुकसान नहीं होता कोई भी नुकसान नहीं होता क्योंकि ट्यूब इसीलिए चढ़ाते हैं कि थन ना खराब हो उसका क्योंकि ड्राई इसीलिए करते हैं ना जब ड्राई करते हैं गए वो तब भी गए दूध को नहीं सूखती इसीलिए ट्यूब चढ़ा देते हैं वो धीरे धीरे जो दूध उसका खराब होता है बीच में वो इन्फेक्शन नहीं करता अडर में जी नहीं तो अब जैसे दूध इसका अपने आप टपकता रहता जी जी तो ये बड़ी परेशान हो जाती है कि जल्दी दो ना करो जी जी और तो इसको चैन मिले तो जब आप रोक देंगे तो फिर वो परेशान नहीं होगी नहीं होगी सर क्योंकि वो ग्रोथ है जी बच्चे को लगने लग जाएगी उसका दूध पेट में से ही बच्चे को चले जाने लग जाएगा जी उसको मतलब उस टाइम गाभिन होगी उसके टाइम गाभिन होगी जी अब ये तीसरे नंबर पे जी जी तो इसकी चमड़ी बहुत पतली है दूध वाली है सर जी दूध वाली है जी पहले वाली की इतनी पतली नहीं थी नहीं सर देखो हर एक गाय का ना अपना अपना ढांचा होता है जी अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे मेंटेन करती है अपन कहते हैं कि खुराक डालेंगे तभी मेंटेन करेगी अगर गाय में होगी ना हिम्मत या गाय में गुण होंगे वो अपने आप ही अपने बॉडी स्ट्रक्चर को कर्व करती रहेगी सर वो तो ये कितना दूध देगी अभी एट प्रेजेंट 26-27 लीटर दूध चल रहा है जी चार दिन की ब्याई है जी जी चार दिन मेरे पास रहे हैं जी चार दिन मेरे घर का सभी गायों का दूध निकाला है इन्होंने जी अच्छा हाँ जी कुर्सी देखे बात करो कहाँ से सिन्नर से है जी सिन्नर नासिक सिन्नर महाराष्ट्र महाराष्ट्र इनके पास पहली बार आए पहली बार आया पहले कितने पशु आपके पास मेरे पास 8-10 है 8-10 कितना दूध होता है अभी उधर तो हमारा उधर महाराष्ट्र का ले पशु है ना उसे ले तो 20-25 के अंदर ही है ना ज्यादा नहीं है तो अब तुम ज्यादा वाला ले जा रहे ज्यादा वाला ले पहले लेके कर रहे हो काम ये हम 25 साल से कर रहे हैं तो पूरा जानकारी है फिर संभाल लेते फिर तो चारा वगैरह चारा मक्का रहता है वो साइलेज है तो इधर बनाता है तो उधर ही बनाता है वहाँ तुम्हारे यहाँ बनता है वहाँ मिलता है नहीं हम खुद का बनाते हैं ना खुद ही अपना बनाते हाँ मक्का क्या रेट मिलता है वहाँ पर चारे वाले हमारे इधर ही 1,000 रुपये टन में मिलता है हरा हरा हाँ 1,000 रुपये टन फिर तो सस्ता ही है सस्ता है क्या दूध की कितनी कॉस्ट बढ़ जाती है उधर हमको अभी चालू है 26-27 रुपया मिलता है हाँ तो कम है कम है तो हमसे कम कम 33 के ऊपर चला गया है हर स्टेट में ज़्यादा है तो महाराष्ट्र में कम वो महाराष्ट्र में दूध की तो बरकत ज़्यादा है ना हाँ तो अब ये आपने जो इसने दिए आपको 32 लीटर बता रहे हैं हाँ। कोई 25-30 लीटर हाँ। बता रहे हैं तो दूध रोक के लो दिखा देते हैं नहीं हाँ। माप के लेते हैं ना शाम को सुबह को माप के लेते हैं ना कितनी बार करवाई मिलकर पांच बार सही निकला अब वहाँ जाके आप शिकायत तो नहीं करो कैसे करेंगे अच्छा नहीं ना करने का तो डर नहीं किया तो जो निकला है वो पढ़े हो कौन मैं ग्रेजुएट हुआ फिर नौकरी भी करते हो नहीं करता खेती करता हूँ खेती करता हूँ कितनी खेती है मेरे पास तो 10 एकड़ है 10 एकड़ तो क्या बोते हो क्या 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 होता है हमारे प्याज होता है मक्का होता है और जो तूर होता है ज़्यादा आमदन प्याज से होती है सोयाबीन और प्याज से अच्छा ये तुम धंधा करने लगे हो कौन सा ये पशुओं के साथ में धंधा नहीं वो तो जोड़ धंधा है हमारा खेती जोड़ धंधा ज़्यादा आमदन इसमें है या खेती में
दोनों में तो एक ही काम करेगा तो आमदनी नहीं होती, दोनों दोनों चला ये तो आमदनी हो जाती है ना। इसका पैसा उधर चल गया, उसका इधर चल गया, वो तो हमारा क्या होता है, खेती का जो कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, खेती को जो जो अपना केमिकल लगता है खाद बियाना वो सब इसके पशु के ऊपर ही जाता है, जो बच जाता है वो घर का खर्चे के लिए निकल मतलब जाता है। दोनों काम आसान हो गए, दोनों काम आसान होता है, किसी के पास दो रुपए मांगने की जरूरत नहीं होती, मांगने की जरूरत नहीं, बैंक के पास जाने, बैंक के पास नहीं। अभी तो हमसे डेयरी से पेमेंट उठा लेते हैं। अच्छा, गाय लेने के लिए। अच्छा, तो डेयरी वाले देते हैं? डेयरी वाले दे देते हैं। तो फिर वो किस ब्याज लेते हैं? नहीं। अच्छा, वो हमारा तो बिना ब्याज के देते हैं, बिना ब्याज के 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, मतलब दूध में काट लेते हैं दूध में। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो तो तुमको जरूरत है तो कितना ले जाइए उतना दे देते हैं। अच्छा, मतलब कि वो पैसे तो फिर वापस लेते हैं आपको, समझे 1,00,000 रुपए लिया है। हाँ। तो 1 महीने में वो बोलता है कि 25,000 काटो या 20,000 काटो, जितना तुम कहोगे उतना काट लेता है, उतना ही काटता है, उतना ही काटता है, ब्याज नहीं ले, ब्याज नहीं लेता। बहुत बढ़िया बात है जी। कितना टाइम लेगी जाने में? डैम लेगी सर 3-4 दिन लेगी, अपने आप खाली हो जाएगी सर। कितने दूध वाली है? दूध अभी इसके नीचे 24 लीटर है जी। ब्रीड में? फुल ब्रीड में नहीं है सर, 30% मतलब क्रॉस है इसमें जी, क्रॉस है जी। तो कब तक ब्याएगी? ये ब्याई हुई है सर। ये ब्याई हुई है? हाँ, 4 दिन ब्याई। ऑर्डर का इतना हाल है सर? सर ऑर्डर का हाल ऐसे, दूध वाली गए हैं जी। इन्होंने मेरे पास जब आए थे जी, ये 3 दिन पहले मेरे पास गए थे जी, 3 दिन जब घूमे आले वाले, जब इसने बच्चा दिया फिर मेरे से ली जी इन्होंने। कितना दूध है अभी इसके अंदर? 23-24 लीटर जी, रेडी है जी। बिल्कुल तक जाएगी आराम से 27-28 लीटर, आराम से 25 से प्लस चलेगी जी। क्या दाम की है? ये 75,000 की दी है सर। 75,000 जी? जी 75 की दी है जी। कितने पैसे कमाए? कमाए सर देखो मेरी बात सुनो जी, ये मेरे घर पर आए जी, पहले तो इन्होंने हमारी गांव का रेट नहीं लगाया जी, जब इसको मार्केट में घूमे सभी और घूमे जी, फिर उन्हें मेरे चारों गाँव लिए जी इकट्ठी। हाँ जी, क्योंकि सर जो हमारा रेट है जी, कुछ व्यापारी ऐसे भी हैं जी जो जहाँ जितना दाव चलता उतना चलाते हैं जी, ठगी मारते हैं, अदला बदली कर देते हैं जी। कर, तो जब वहाँ से लोग आते हैं ना जी, तो हम समझते हैं वो भी अच्छी बात है जी, कि उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलता जी, है जी, कि गाय परख के लो, साथ में जाओ जी, भरोसा मत करो जी। जी सर बात ऐसे देखो जी, कोई भी बात है जी, वो व्यापारी तुमसे भी परेशान रहते हैं फिर जी जी, कि तुमने उनके ग्राहक छीन लिए जी, कि उन्होंने ठगी मारी तो उनके पास दोबारा जाते नहीं वो जी। मैं बताता हूँ सर, मेरी जहाँ से अब गायें ली हमने जी, वहाँ 1,80,000 बंदा मांग रहा थी, 1,30,000 की ली है जी। जो मैंने अपनी गायें दी है जी, वो मैंने लास्ट रेट बताया जी, फिर भी उनमें से इन्होंने कसाई घर घर का 3-4 दिन से मेरे साथ सौदा कर 4-5 हज़ार कम दिए मुझे जी। मैंने लास्ट बता दिया यार इतने की ली है, मैं 5,000 पर बढ़ लूँगा, 6,000 लूँगा, पर फिर भी उन्होंने मेरे साथ बहुत ही धक्का किया, धक्के से लिए गए, पर मैंने खुश होकर दिए। नहीं, इनको पूछो ना जी किस रेट में गए दिया, कोई समय झूठ नहीं है, 10,000 जाना बोल दूँ या कम बोल दूँ, जिस रेट में दिए वही बता रहा हूँ आपको सर। ले लिया बैठ में कदम है जी सर है? जी जी बैठ में कदम है सर। ये ना पहले लेकर गए थे, कहीं और से गए जी, 20 गाय लेकर गए थे, इनको कम से कम एवरेज हो 1,20,000-25,000 की पड़ी थी तो पहले गांव के पास वही की है यहाँ तो है। नहीं नहीं लेकर गए पहले भी, इनके पास 18 गए थी जिसमें से 8 गए मर गई थी इनकी। ए इधर के शहर से मैं बता नहीं सकता कहाँ से लेकर गए थे, शहर तो बता दो। नहीं शहर नहीं बता सकता सर, तो इनके पास 8 गाय कहते हमारी मर चुकी हैं। जब इन्होंने मुझे गाय दिखाई, मैंने इनको कहा कि देखो 8 गाय आपके मर चुकी हैं, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, हमारी भी किसी की गलती नहीं है, गलती किसकी है, तुम्हारी आप खुद की है, क्योंकि देखो सर 40-45 लीटर वाली गाय आप खुद लेकर जा रहे हो जी, जहाँ से 3 दिन लगता है जाने को, 1,800 किलोमीटर का सफर निकालती है जी, वो इस इलेक्ट्रेशन में दूध नहीं पूरा करेंगी, अगले इलेक्ट्रेशन में दूध पूरा करेंगी, पर इनसे ना जाते जाते ही गायें जो सफ़र में टूट जाती हैं हैवी मिलकर का हो जी, तो थोड़ा ध्यान से लेकर जाना चाहिए, गाड़ी भी खुली लेकर जानी चाहिए, करना केयर टेकर भी अच्छा लेकर जाना चाहिए सर, बात ऐसे है जी। तो ये कितना दूध देने वाली है? जी सर 35 लीटर लगभग, 30 प्लस चलेगी, 30 या 35 लीटर दे देगी। ये इनकी पसंद की है, तुम्हारी पसंद जी? इनकी पसंद की है जी। तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? मैं देखो मैंने 5 की जिम्मेवारी लिया, निकाल कर दिखाया जी, 3 की मैंने इनको कहा चलो अपना एक्सपीरियंस देख लेना, कि जो 3 अपनी मर्जी से आपने लिए हैं, जो मैंने 5 दिए मैंने अपनी मर्जी से दिए हैं, उनका निकाल कर भी दिखा रहा हूँ, कोई झूठ नहीं इसमें, कंडे के साथ तोल कर दिखाया जी। कितना ये ब्याई है? ब्याई हुई है सर। तो इसने कितना निकाला? फीमेल काफ है इसके साथ, अभी 18 से 19 लीटर खीस है इसके, कल ब्याई है जी, कल ब्याई जी जी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है इसमें, 3 की मैं गारंटी नहीं दे रहा, मैं अपनी 5 की गारंटी दे रहा हूँ, जो मैंने अपने। तो यहाँ तुम्हें कमीशन कम मिला क्या? नहीं कमीशन की बात नहीं है सर। हाँ। मैंने देखो जी पहले गाय लेकर के तो इन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है जी। हाँ। मैंने उसकी अकाउंटिंग इनको कहा कि थोड़ी सी हैवी मिलकर ना लेकर जाओ, फर्स्ट सेकंड इलेक्ट्रेशन में दूध वाली लेकर जाओ। नहीं हैवी तो है सर, वो यंग उम्र की है, पतली चमड़ी की है, अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर वाली है, कोई पेट वाली नहीं है जी। फिर लेकर तो तुम ही गए इनको? नहीं लेकर नहीं, मैं ये कहते 3 हमने अपनी चॉइस से लेनी है, मैं चलो आपसे धक्का नहीं करते, जो आपको अच्छी लगती है वो लो ले लो जी।
ये छह दांत प्योर सेकंड लैक्टेशन कितना देगी दूध? दूध है मेरे हिसाब से 35 लीटर आराम से जी, नॉर्मल कहता हूँ 35 लीटर निकाल कर दिखा दूंगा अगर कोई कहता है, ये भी कहे ना अभी 24-25 लीटर खीर है ब्याई हुई है जी। क्या दिया? ए मेल काफ दिया इसने जी। तो कितने की बेची है? जे मैंने 82 की दी है जी। अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से धक्का तो उन्होंने मेरे बहुत किया जी, पर मैं देरी खुश होकर 30 लीटर निकाल कर दस बार निकाल लें जी। वहाँ की गारंटी नहीं? वहाँ की गारंटी नहीं सर, दे सांस वाली चीज़ें क्या मैं एक महीना निकालते रहे जी। देखो गारंटी कहने को मुंह हलाने को हला देता हूँ कि यार गारंटी है, मेरी गारंटी है, भगवान ना चाहे रास्ते में कुछ हो जाएगी वो सब बेकार की। हाँ जी गारंटी इसकी कंट्रोवर्सी होती है जी जी, बात सही है। अब आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद जी जी वो कितनी गारंटी देगा आपको? नहीं गारंटी तो बात है, सांस वाली चीज़ की गारंटी नहीं होती जी, कोई हार्डवेयर की सामान होगा वो उसकी गारंटी होगी जी। 82,000 की दी है जी। कितने कमाए? कितने कमाए सर? 3,000 कमाया सिर्फ जी, एक दिन मेरा नहीं नहीं वो नहीं इनके सामने आई है जी, इनके सामने ये नहीं नहीं इनके सामने मैंने 81,000 की गाय ली जी। हाँ। इनको आपकी वीडियो में दिखाऊंगा अभी। हाँ। 81,000 की गाय ली है जी, मैंने कहा अगर लेनी है 2,000 कमीशन दे देना, कुछ चक्कर ले जाओ आप। 2,000 तो तुमने खर्चा कर दिया होगा? नहीं 2,000 खर्चा नहीं किया, क्योंकि इनकी गाय के साथ ही मेरी गाय आ गई थी साथ में जी, वो 400-500 किराया लगा था तो डिवाइड कर लीजिए। चल ये आगे जी बहुत चमका रखी है ये, वैसे चमकने वाली है, कलर इसका बहुत अच्छा है जी। कितना दूध देने वाली? दूध 25 लीटर प्लस जी। ब्रीड में कह सकते हैं क्रॉस है? ब्रीड में 20% इसमें क्रॉस है जी है। जी लोकल किसान की है जी। लोकल किसान जी जी है, पर जितनी अच्छी ऑर्डर की शेप बता रही है। नहीं देखो जितनी भी है अच्छी है जी, लेकिन फिर भी किसान की है तब भी उसने पूरे ढंग से पाली है, ढंग से पाली है जी, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, ऑर्डर क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। दूध देगी 25 लीटर जी, 25 से प्लस चलेगी जी। कितने की लेके दी? 75,000 की सर। इन्होंने अपनी मर्जी की? तुमने? मैंने अपनी मर्जी से लेकर दिया जी। 75,000 की? कितने इशारा कर दिया होगा वहाँ कुछ? नहीं वो तो बोल रहा था 85,000 रुपए दो, हमने बोला हमारे को नहीं लेना है, देना है तो 85 में दे दो, नहीं तो जा बाबा जो छोड़ देने का। मान गया? मान गया, इसने घिच करके थोड़ा मान के बन लिया। इसने कितना कमीशन लिया भी? इसका कमीशन को हमको खा के पी के ही कमीशन बांट लिया है। बांट लिया है फिर अब दूध तुमने देखा इसका? दूध अभी तो गाबन है। अच्छा गाबन, 10 दिन की आएगी? 10 दिन लेगी। 10 दिन के अंदर तुम्हारी जिम्मेदारी है? देखो सर मैं आपको बताता हूँ, तो तुम्हारे अपनी चॉइस से जी, मैंने अपनी चॉइस से दी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूँ खुद कह रहा हूँ जी। हाँ। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अगर अभी कोई कमी लग रही है अभी एक जो भी गए इनको पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही छोड़ सकते हैं जी, धक्का नहीं इनसे कोई कर रहा हूँ मैं, कि जो मेरी चॉइस है, जो इन्होंने 3 लिया उसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा। के पैसे ना कहीं मांग लेना किसे? नहीं नहीं सर खाने का। आपने देखा एक आदमी उनको गाय पसंद नहीं आई जी, वो दूसरे फार्म पे चले गए जी, वो वहीं जा करके पहुंच के उनसे लड़ने लगा कि 4 दिन मेरे साथ घूमे हो जी, दो मेरे खर्चे खाने के। गलत बात है सर ये, गलत बात है। ग्राहक देखो इतनी दूर से आया है जी, अपनी मर्जी को लेने, इसको अपनी मर्जी को लेने दो, भगवान की देन है, भगवान की देन है जी, बात ऐसी है। ऐसा व्यवहार दिखाना गलत बात, गलत बात है जी। ये कौन से ब्रांच की है? सेकंड इलेक्ट्रिशियन में जी। ये तो मान सर सेकंड में है जी। तुम कुछ भी कहते रहो। नहीं सर देखो कहने को कुछ भी कहते हैं जी, चलो सेकंड नहीं लगाते थर्ड लगा लो जी, पर जितनी है क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो ढांचा बता रहा कि चौथे ब्रांच से? नहीं चौथे ब्रांच में नहीं है जी। 85,000? 85,000 जी। कितना देगी दूध? ये लगभग 30 लीटर से प्लस जी। अच्छा, जो बाहर से लोग आते हैं जी, तो तुम लोग कुछ लिहाज बहाज करते हो कि लोग आए हैं बड़े मान सत्कार से आए हैं, बड़ी उम्मीद रख के आए हैं, भरोसा रख के आए हैं, तो तुम लोग वैसा व्यवहार दिखाते थे? जे मुझसे ना बात पूछो जी, इनसे पूछो कितनी लिहाज किए जी। हमने तो पहले बोल दिया कि भाई तुम लोग जो हमारे लिए हीरे हो जी, कि तुम्हारे माध्यम से मुझे ज्ञान बांटते हैं आगे, ज्ञान की बात करते हैं, तो अब हम तो वैसे असलियत पूछ लेते जी हैं जी, कि जब ये लोग आते तो कैसा फिर? सर बात ऐसी जी, ये मेरे पास आए जी, मैंने इनको कहा, ये भी मुझे कह रहे थे अगर तुम्हारे पास पसंद गए पसंद नहीं आई किसी और के पास चलेंगे, हमको छोड़े ना, मेरी गाड़ी खुद की है, मेरा कुछ नहीं जाता, तुमको छोड़ आऊँगा। ये पहले मेरे घर पर आए, पहले मेरी गाय देखा, फिर हमने बाहर से 3 गाय लिया जी, 3,20,000-25,000 का जी। वो बंदे ने कहा, कहता मैं तुम्हें दूध निकाल कर दूंगा जी, इन्होंने 500 साई का दे दिया उस बंदे को जी। हमको भी ये हमारे पास हैं किसी उम्मीद के कारण आए हैं, अगर इनके साथ धोखा करेंगे तो भगवान हमारे साथ धोखा करेगा जी। इन लोगों से मतलब कि इसलिए नमन होते हैं कि ये लोग देखो हमारे लिए अन्न उगाते हैं जी, हमारे लिए दूध उगाते हैं, दूध पैदा करके देते हैं हमारी सेहत के लिए। तो ऐसा कौन आदमी है जो कड़ाके की ठंड में बरसते में खेतों में चला जाए जी? ऐसा कौन आदमी है जो मतलब कि गर्मी के चिलचिलाती धूप में जाके खेतों में काम करे, पसीने तर बतर हो जाए? तो इन लोगों का देन तो हम लोग दे नहीं सकते जी, दे नहीं सकते, और हमारी सरकार इनको भी बेवकूफ बनाती है जी। बात आपकी सही है जी, मुझे पहले दिन जब मेरे पास आए
ये मुझे पूछा है इन्होंने कि आपका दूध का रेट क्या है। हमारा जहाँ का दूध का रेट मेरा अभी डेयरी में 34 रुपये लीटर लग रहा है, 1.5 रुपया मेरे बाउंस भी होगा, 35 रुपये लगा कर चलो। इनका दूध था मतलब नए साल से पहले जी 22-23 रुपये लीटर प्रति लीटर जी, अभी इनका 26-27 हो गया जी। जी हम तो ये कहते हैं ना, ये लोग इकट्ठे होकर आंदोलन चला दे किसानों की तरह जी कि भाई MSP लागू करो दूध पे। जी जी करो, ये होनी चाहिए सर। अगर ये 1.5-1.5 लाख 1-1 लाख रुपये की कोई भी नॉर्मली गाय लगा कर चलो 70,000 की इनको पड़ जाती है जी, इतने रिस्क पे आते हैं, गाय को कुछ भी हो सकता है जी। कल इनको पता है क्या हुआ गाय के साथ, डॉक्टर ने सिर्फ 10 मिनट लिए हैं जी इनके, 10 मिनट में गाय को जैसी वो थी ना वैसे बनवा दिया जी। इनको मालूम है कल ना एक गाय थी इनकी जी, वो बच्चा तो नहीं अपना टॉर्चर का केस होता है जी, वो बच्चा तो नहीं वल खा जाती है बीच में जी, तो वल खा गई रात को। तो हमने भी देखा कि गाय के दर्द हो रहा है तो हमने सिंपल टीका लगवा दिया जी। सुबह देखा कि गाय का दर्द नहीं कम हो रहा तो हमने डॉक्टर को बुलाया। अगर हमारे मन में होती कल गाड़ी इनकी भरनी थी, आज क्यों भर रहे हैं एक दिन लेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमको पता है अगर इसका नुकसान हुआ तो हमको भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसका नुकसान हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, कभी तो भरपाई करनी नहीं। देखो सर पता नहीं चलता नहीं भरपाई बात ऐसे जी, इनको पूछो ना जी। कल डॉक्टर आया जी, डॉक्टर ने बताया जी गलत है कि इसमें गाय 100% मरेगी अगर सेट ना हुई, वो 10,000 भी दे दो 20,000 भी दे दो कोई डॉक्टर नहीं सेट करेगा जी। इनके सामने जी टीका लगाया गाय के, गाय को लंबा डाला जी, उसके पेट को घुमाया पूरा इनके सामने डाला जी। हमने वीडियो मेरे पास पड़ी आपको दिखाता हूँ मैं 2 मिनट के बाद। तो कर जी वो बच्चा 15 दिन पहले निकाला जी, फीमेल काफ है जी, वो बछड़ी आपको वीडियो में दिखाएंगे, गाय भी आपको दिखाएंगे जी। ये सामने बैठे अगर धोखे की बात होती तो मैं इनको कहता नहीं यार लोड करके चलो, मेरा जहाँ से 10-15 इनकी 10 गायें बानी हुई हैं, रोज खाती हैं, पानी भी पीती हैं, गायें बानी भी हुई हैं। अभी सर्दी का मौसम है, कोई गाय टेम्परेचर डाउन हो जाए, बुखार हो जाए, वो मुझको छापा छिड़ देगा। इसके कारण मैंने इनको कहा हम आपके साथ धक्का नहीं करेंगे, ये गाय गलत है, एक दिन रेस्ट करवाओ। ये गाय देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है जी, लेकिन पूरे करेक्टर नहीं है। हाँ जी करेक्टर इसमें पूरे कलर पे नहीं है, बाकी करेक्टर पूरे मेरे ब्रीड के करेक्टर पूरे हैं, कलर थोड़ा ज्यादा पतली है, चमड़ी पतली है। दूध देगी? दूध सर फार्मर ने 40 लीटर कहा जी, मैंने इसका 30 लीटर कहकर उनको दिया कि 30 लीटर आपके पास आराम। यार बेचने के लिए चाहे 50 लीटर कह दे उसका क्या? मैंने फिर इनको 30 लीटर निकाल कर भी दे रहा हूँ जी, दो दिन रोको निकाल कर। नहीं अभी नहीं, दो तो कल ही पे कल ही पे। अच्छा अब कितना खींच दिया? अभी होगा 21-22 दोनों टाइम का जी। अच्छा दोनों टाइम का है जी, ठंडा बिल्कुल जी। तो कितने की है ये? 1-15 की, 1-15 की लिए जी। इनकी चॉइस, इनकी चॉइस इतनी महंगी, इनकी इतना दाम लगा दिए? ओ इसने इशारा कर दिया होगा? नहीं वो तो ये साठ-गांठ कर लेते हैं। नहीं करता। अच्छा इनकी खुद की गाय है? मैंने इसके पास फिर आओगे फिर? अच्छा सर्विस अच्छा देगा तो जाने में क्या दिक्कत है हमको? कोई कमी हो तो हमें बताना। कमी तो नहीं है, इसके घर में रहते हैं हम लोग, उधर खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब इधर ही चल रहा है ना। ये तो पंजाब की रिवायत है। ये ब्रीड में थोड़ा सा 10% क्रॉस है जी, क्योंकि इसकी जो मदर थी ना थोड़ा सा साहीवाल क्रॉस में थी। इसकी आंख में क्या परेशानी है? ये आंख में थोड़ा ना रस्सा फिर गया जी। अच्छा, मुर्गी का जी जे इंजेक्शन डाल दिया आंख में, धीरे धीरे हो जाएगी सेट जी। तो अब जो है ये क्रॉस में तो है सर, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं ना मिलता क्रॉस में भी जी गांव का। तो इतने रोए इसके ऊपर बाल, इतने बाल इसके ऐसे, एक तो फार्म से आई है जी, नलाया नुलुया नहीं, अभी नलाना नुलुआ चालू है जी इसका, कल से नला कर इसकी आदर हो उतरेगा जी ऊपर से बाल बुलूस के जी। अच्छा जी, ये फोर सेल है जी, 1 लाख की फोर सेल है? फोर सेल है जी। सही कितने की बेचोगे? 1,000-2,000 कम कर लेंगे सर। 90 की? नहीं 90 की नहीं सर, ज्यादा फिर तो हमारे से जाएंगे। अभी तो 1 महीने बाद बयानी है? नहीं बयानी तो है सर, देने वाला है। नहीं मेरे मिले मेरे लिए 90। तुमने कितने देने हैं? कितने देने हैं? मेरे मैं 90 देने वाला है उसको। ठीक है ना, मैं 90 में दे दूंगा। हो गई हो गई, चलो ये कैमरे के सामने बोलना है। मेरे को 90 में देगा, वो देगा देगा। पहले नहीं मान रहा था, पहला भी मान रहा है मेरे के लिए, पहले मान रहा था। मैंने उसको बोला है 90 के आगे नहीं दूंगा भाई। अच्छा वो बोलते और कम करवाने और करेंगे काम नहीं और होंगे और करवा देंगे 1,000 और कम करवा देंगे। नहीं नहीं 2,000 उसको खाना खिलाने के लिए, उधर जाने के लिए खाना खिलाने के लिए। अच्छा 2,000 और कम करेंगे। ठीक चलो।